वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है और अब करीब 7 महीने की सरकार बाकी है। ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा का हर वर्ग सरकार से त्रस्त है। इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। फ्रेंड्स के लिए आपको, जैसे कि आपने देखा कल प्रदेश सरकार ने बड़ी हर्षोल्लास से 9 साल, क्योंकि 21 अक्टूबर को इस सरकार के 9 साल पूरे हो गए थे, लेकिन हालांकि ये 9 साल जरूर इन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड भी चलवा रहे थे, 9 साल में ऐसा काम हो गया वैसा काम हो गया और अब 1 साल में ये, तो पहली बात तो अब 1 साल बचा नहीं है, 7 महीने की सरकार कुल 6 बाकी है, क्योंकि 1 महीने का आचार संहिता हरियाणा के चुनाव में और 3 महीने की आचार संहिता लोकसभा के चुनाव में, और अभी जैसा कि आपकी जानकारी, तो कुल मिलाकर 7 महीने की सरकार शेष बाकी है और चुनावी मोड में प्रदेश आ चुका है, जब 7 महीने बचे इस सरकार के कार्यकाल के। लेकिन जो इन्होंने कल 9 साल बेमिसाल और ये वो, तो आज हमारा उस बात को लेकर कुछ सरकार से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई है कि हरियाणा की जनता हर वर्ग आज त्रस्त है। इन्होंने हरियाणा का को विकास की पटरी से उतार दिया आज और हरियाणा बहुत नुकसान किया। ऐसे में हम इस सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सही नारा जो है वो 9 साल बेमिसाल नहीं है, सही नारा है 9 साल